लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट केस लॉज पे। दोस्तों ये जो आज का टॉपिक है ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि सर मुझे केस लॉ से रिलेटेड कोई लेक्चर पे आप वीडियो बनाओ, तो उसके लिए है। तो इसी तरीके से अगर आपको भी अगर किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सब्जेक्ट पे लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और मैं अपने उस सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। तो आज का ये लेक्चर है इंपॉर्टेंट केस लॉज पे। अभी देखिए आने वाले रिसेंट डेज में छत्तीसगढ़ जुडिशियल एग्जाम है, यूपी एपीयू का एग्जाम है, जिसमें ये केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में जब हम लोग बात करेंगे, चाहे वो मेंस के एग्जाम में जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसके दृष्टिकोण से। तो आज हम लोग जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो सबसे पहला है कि लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इस केस में क्या कहा गया कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसी परिस्थिति में आपके पास अवेल होगा, अवेलेबल होगा, जो परिस्थिति अचानक से उत्पन्न हुआ है, और उस परिस्थिति में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करना एकदम आवश्यक है। क्लियर। इससे पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज हम कब कर सकते हैं और कितने प्रकार का होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति कब किसी का डेथ कवरेज कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस करा था। आज उससे रिलेटेड केस लॉज पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे केस लॉज आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला केस लॉ क्या था, लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में। इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो चाहे वो बॉडी का हो, उसका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो या उसी परिस्थिति में कर सकते हो जिस परिस्थिति में उसका इस्तेमाल करना एकदम आवश्यक हो जाता है, ठीक है। आपके पास कोई चारा नहीं है उसके इस्तेमाल करने के अलावा, ठीक है, उस राइट के इस्तेमाल करने के अलावा। अब आइए नेक्स्ट जो केस का वो क्या कहता है, अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। देखिए ये भी जो केस है ये भी लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, और इसका भी संबंध जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से ही है। तो इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आप ये देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके पास जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो है या नहीं है ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। अब इसको तय किया जा सकता है हर केस के अपने अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे। क्लियर। तो यहां पे एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि अरुण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति के पास वो राइट कब अवेलेबल है या नहीं है ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जिसको कैसे प्रूव किया जाएगा। तो हर केस का अपना अपना अलग अलग सर्कमस्टांसेस है और अपना अपना अलग अलग फैक्ट्स है, तो उसके बेसिस पे ही ये प्रूव्ड होगा। क्लियर। अब आइए थर्ड इंपॉर्टेंट केस लॉज पे। जो तीसरा इंपॉर्टेंट केस लॉ है वो क्या कहता है, देखिए पम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इस केस में क्या हुआ दोस्तों, देखिए पम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में क्या कह रहा है कि आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा उस एक्ट को लेके जो एक्ट है जो हुआ है सेल्फ डिफेंस में। क्लियर। क्या कह रहा है फिर से रिपीट करते हैं, पम्मी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। अगर मान लीजिए ए अपने सेल्फ डिफेंस में कोई एक्ट करता है, ठीक है, तो आप उस एक्ट के अगेंस्ट अपना प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दोस्तों ये जब हम लोग देखते हैं, तो हम लोग जब पढ़े थे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के लेक्चर में, तो हम लोगों ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी देखा था, तो इसका जो संबंध है उस रिस्ट्रिक्शंस में से ही है। क्लियर। इस केस का क्लियर हो गया। अब आइए चौथा इंपॉर्टेंट केस लॉज पे। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली एक से दो वीडियो बनाता रहता हूं, ठीक है, जो आपको जुडिशियल एग्जाम में बहुत ही मदद करेंगे। अब आइए चौथा केस पे क्या कहता है, चौथा केस का संबंध है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू किया, वो भी डिटेल में गाइडलाइंस इशू किया था। तो किस संबंध में गाइडलाइंस इशू हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में, देखिए इस केस में गाइडलाइंस जो इशू हुआ सुप्रीम कोर्ट ने उस गाइडलाइंस में यह तय करी कि सेंट्रल या फिर स्टेट सिक्योरिटी एजेंसी जब अरेस्ट करेगी तो वो कुछ गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशूड हो रहा है उसको पूरा करेगी, या फिर उस गाइडलाइंस के अनुसार ही अरेस्ट किया जाएगा। क्लियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट, ठीक है, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट जो केस लॉ क्या है, नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है कस्टडी में तो फिर वह व्यक्ति इंटाइटल्ड है टू बी कॉम्पनसेटेड, ठीक है। दैट मीन्स कि कस्टोडियल
डेथ से रिलेटेड है, नीलावती बहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस, ठीक है। इस केस में एक्यूज्ड का डेथ हो गया था पुलिस कस्टडी में, इस ग्राउंड पे स्टेट को लायबल माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने विक्टिम को कॉम्पनसेट करा था, ठीक है। तो इस केस का संबंध है कस्टडियल डेथ से, ठीक है। आमतौर पर जब आप लोग देखिएगा, जब जुडिशियल एग्जाम का जो हम लोग देखते हैं एमसीक्यू, उसमें कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि कस्टोडियल डेथ का संबंध किस केस से है, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन देते हैं। तो अब आप समझ जाएंगे कि कस्टोडियल डेथ का संबंध किस केस लॉ से है, क्लियर। अब आइए जो नेक्स्ट केस लॉ क्या है, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। ये जो केस है इसका भी संबंध अरेस्ट से है, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन इशू किया कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो उसके लिए कौन सा प्रोसीजर है जो फॉलो करना होगा। देखिए दोस्तों, अरेस्ट जो होता है, अरेस्ट जब हम किसी को करते हैं, जो भी पुलिस या कोई व्यक्ति, देखिए यहां एकदम समझिए, एक मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकती है और प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है, पुलिस तो अरेस्ट कर ही सकती है, ठीक है। तो अरेस्ट किया जाता है किसी व्यक्ति का, तो उससे क्या होता है कि उस व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 वो इंफ्रिंज होता है, ठीक है। और आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 21, ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप बहुत ही ब्रॉड है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट को लेके, ठीक है, क्या करी, गाइडलाइंस इशू किया, ठीक है, कि अरेस्ट होगा तो किस प्रोसीजर में होगा और कौन सा मैनुअल है जो फॉलो किया जाना आवश्यक है, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे ये आर्टिकल 21 में लाइफ टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, और लॉज जो अवेलेबल है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है जोगिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का। अब आइए जो नेक्स्ट केस है वो क्या है, हुस्नरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें क्या कहा गया दोस्तों, देखिए, स्पीडी ट्रायल इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द एक्यूज्ड। मतलब अब देखिए, आप आज की डेट में आप आमतौर पर यह देखते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति का कोई एक्यूज्ड है, वो उसका ट्रायल चल रहा है, तो उसका ट्रायल बहुत ही लंबा चला जाता है, ठीक है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्यूज्ड का फंडामेंटल राइट है स्पीडी ट्रायल, ठीक है, कि केस का निपटारा जल्द से जल्द हो सके, ट्रायल जल्द से जल्द कंक्लूड हो सके, ये एक्यूज्ड का ये फंडामेंटल राइट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। हुस्नरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की, इसमें यहां जब हम लोग हुस्नरा खातून का केस देखते हैं, तो इसके साथ साथ हम लोगों को एमएच हासकोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस भी याद आता है, क्योंकि ये भी इसी से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो भागलपुर ब्रांडेड प्रिजनर केस है खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, वो भी इसके साथ ही हम लोग देखते हैं, क्लियर। क्योंकि ये सभी केस का संबंध किससे है, स्पीडी जस्टिस से है और स्पीडी ट्रायल से है, क्लियर। और स्पीडी जस्टिस फंडामेंटल राइट है और साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इसका जिक्र है, ठीक है, आर्टिकल 39A में, क्लियर। अब आइए जो लास्ट आज का जो इंपॉर्टेंट केस लॉ है जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कुलवंती वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इस केस में क्या हुआ दोस्तों, देखिए क्या कहा गया, जब हम लोग इस केस में क्या कहा गया उस पर आने से पहले आप ये समझिए कि जब हम लोग आर्टिकल 20 क्लाउज 2 देखते हैं डबल जियोपार्टी, तो उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लाउज 2 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी एक अपराध का दो बार सजा या प्रोसिक्यूट कन्विक्ट, यहां समझिए बात को फिर से रिपीट करते हैं, कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार प्रोसिक्यूट या पनिश्ड नहीं किया सकता है, ठीक है। यहां जो शब्द इस्तेमाल हुआ, क्या इस्तेमाल हो रहा आर्टिकल 20 क्लाउज 2 में, कि पर्सन शैल नॉट बी कन्विक्टेड एंड दैट मींस कि पर्सन शैल नॉट बी पनिश्ड एंड प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम ऑफेंस ट्वाइस, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है कन्विक्ट हुआ है किसी अपराध को लेके, और अगर उस अपराध का फिर से उस पर मुकदमा चलता है, तो वह व्यक्ति अपने प्रीवियस कन्विक्शन का डिफेंस ले सकता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन आर्टिकल 20 क्लाउज 2 में इस बात का नहीं जिक्र कर रहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक्यूट होता है तो अपने एक्यूटर का डिफेंस लेगा सब्सिक्वेंट ट्रायल को लेकर, ठीक है, उसी अपराध का अगर सब्सिक्वेंट ट्रायल चला तो वो अपने एक्यूटर को लेकर डिफेंस नहीं ले सकता है, क्लियर। तो यहां पे जो आर्टिकल 20 है वो हमें ऑल्टरेशन कन्विक्ट तक एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर से रिपीट करते हैं, आर्टिकल 20 क्लाउज 2 जो है उसका संबंध जो है कहां तक है, ऑल्टरेशन कॉन्विक्ट तक है, लेकिन ऑल्टरेशन एक्यूट पे वो अप्लाई नहीं होता है। और जब जब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 20 क्लाउज 2, तो उसके साथ साथ हम लोग को सीआरपीसी का सेक्शन 300 देखना होता है, क्योंकि सेक्शन 300 का सबसेक्शन 1 ऑटरिफिस एक्यूट और ऑटरिफिस कन्विक्ट दोनों पे एप्लीकेबल होता है। दैट मींस कि सेक्शन 300 सबसेक्शन 1 के तहत सीआरपीसी का हम
प्रीवियस एक्यूटर और कन्विक्शन दोनों को प्लीड कर सकते हैं सब्सिक्वेंट ट्रायल को लेके, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द सेम ऑफेंस। तो इस केस में क्या कहा गया, कुलवंती वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस में, कि अपील जो है कंटिन्यूएंस ऑफ द ट्रायल है, ठीक है, मतलब कि ट्रायल को आगे प्रोसीड करने का एक माध्यम हो जाता है अपील, ठीक है। इसलिए जब अपील होता है तो जो जिसके अगेंस्ट अपील हो रहा है, ठीक है, वो अपना एक्यूटर का प्ली नहीं ले सकता है इस अपील के अगेंस्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था किस केस में, कुलवंती वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में। दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। तो जैसे मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट करा या मुझसे बोला कि आप इस टॉपिक पे, इस लेक्चर पे वीडियो दो, इसी तरीके से आपको भी अगर कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, क्योंकि देखिए अब बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं जुडिशियल के, ठीक है, चाहे वो किसी भी राज्य के हों। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, यूपी एपीयू का एग्जाम है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समझ के हर सवाल का जवाब देना। तो आप अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक पे अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। दोस्तों अब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।